लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बैठिए प्लीज, बैठिए, तशरीफ रखिए, क्राउन प्लीज। ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आज की मीटिंग किस लिए बुलाई है। ये लोग क्या, सारा शहर जानता है कि फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारी सुंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला। मैं बोल रहा हूँ ना, खन्ना साहब मुबारक हो। It's a very prestigious assignment, sir. हमारी कंपनी के लिए गौरव की बात है। मुकाबले में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। मेरे लिए भी बड़ी गौरव की बात है कि मेरे साथ आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोग हैं। आप ही लोगों के कारण आज ये सुंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम पूरे देश में इज्जत के साथ लिया जाता है। सर, हमारे सामने एक और चुनौती है। हमें ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम में बनाना है, जिसके लिए हम रात और दिन एक कर देंगे। इतना ही नहीं मिस्टर स्वामी, इस फ्लाईओवर के बनाने में भले हमें एक पैसा ना बचे, लेकिन हमारी कंपनी की इतनी इज्जत हो जाए लोगों के दिलों में कि आइंदा कोई कंपनी हमारे मुकाबले में आने के बारे में सोच भी ना सके। और अगर सोच भी ले तो बेचारों को हार का मुंह देखना पड़े। नजाकत अली, वल्द शराफत अली, मैं आपके वालिद का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। ओ, माफी चाहता हूँ सर। मिस्टर मेहता। यस सर। मिस्टर पटेल, मेरा स्टाफ अगर मेरे बाजू हैं तो आप मेरा दिमाग और मेरी आंखें हैं। आप लोगों में मुझे उतना ही भरोसा है जितना अपने मुकद्दर पर है, इसलिए पैसों की कतई परवाह मत कीजिए और इस फ्लाईओवर में बेहतरीन माल लगाइए, क्योंकि इस फ्लाईओवर में हमें दौलत नहीं बल्कि नाम और इज्जत कमानी है। वाकई पैसों की क्या कमी है हमारे पास। जी बस खन्ना साहब, भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दीजिए, बाकी चिंताएं हमारे लिए छोड़ दीजिए। क्यों पटेल साहब? बिल्कुल, अगर खन्ना साहब चिंता करेंगे तो हम तो बेकार हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, मिस्टर मेहता, मिस्टर पटेल, आप लोग होते मुझे क्या चिंता हो सकती है। आप लोग होते तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा और हम इसके मुकम्मल होने की खुशी में जश्न मनाएंगे। Cheers! Cheers! इस कामयाबी का सिरा आप लोगों के सर है, बल्कि ये कामयाबी आप लोगों की है। खन्ना साहब, आप सदा कामयाबी का सेहरा हमारे सर क्यों बांधते हैं? भाई आप लोग मेरा साथ ही कुछ इस तरीके से देते हैं और टीम अच्छी होगी तभी तो मैं जीता जाएगा ना। सर, एक अच्छी टीम को इस्तेमाल करने के लिए एक काबिल कैप्टन भी तो होना चाहिए। खन्ना साहब, आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हूं। क्या हुआ जी? फोन है। हेलो खन्ना साहब। यस खन्ना स्पीकिंग। फ्लाईओवर गिर गया। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये झूठ है योर ऑनर, ये झूठ है। ये दोनों मेरे आस्तीन के सांप हैं, ये दोनों गद्दार हैं। जैसे साहब, ये दोनों गद्दार हैं, अपना जुर्म मेरे सर थोप रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए जैसे साहब, मैं सच कह रहा हूं। मिस्टर खन्ना, आपको पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, गवाह के बयान के बीच में बोलकर अदालत का समय बर्बाद ना करें। यस मिस्टर मेहता। योर ऑनर, हमारे लाख समझाने पर भी खन्ना साहब घटिया माल खरीद के फ्लाईओवर में लगवाते रहे। कहते थे कि सरकारी माल बार बार खाने को नहीं मिलेगा। योर ऑनर, मिस्टर पटेल भी इस बात के गवाह हैं कि हमने खन्ना साहब को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन खुदा से डर मेहता, इस फरिश्ते पर इल्जाम लगाकर तुमने अपने लिए नरक का दरवाजा खोल लिया है। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हुजूर जज साहब, अगर खन्ना साहब बेईमान है तो इस देश में कोई ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपको कुछ कहना है तो अदालत आपको जरूर मौका देगी।
यस मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, खन्ना साहब के नमक हलाल नौकर ने चीख चिल्लाकर मुलजिम खन्ना के लिए अदालत की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है, मगर सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। योर ऑनर, मेरे अगले अहम गवाह हैं मिस्टर नारायण पटेल। और खन्ना जी के खिलाफ कोई बात कहते हुए जबान तो कटती है, लेकिन जब बात ईमानदारी की आ जाए तो कहना ही पड़ता है। लालच बहुत बुरी बला है सरकार। हमने तो खन्ना जी से यहां तक कहा कि आप जो कर रहे हैं वो समाज के साथ गद्दारी है, लेकिन ना जाने खन्ना जी को कितनी अवस्थी दौलत की। अब क्या कहें सरकार, बात तो बहुत बड़ा किया खन्ना जी ने। थैंक यू मिस्टर पटेल। योर ऑनर, अदालत मुलजिम खन्ना को इस अपराध के लिए सजाए मौत भी दे सकती है। इनकी बेईमानी और लालच ने न सिर्फ सरकार, समाज और देश के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि ये उन 7 बेगुनाह लोगों की हत्या के भी जिम्मेदार हैं जो फ्लाईओवर गिरने से मर गए। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत बीएस खन्ना को अपराधी मानते हुए 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। भाभी जी, आपकी खिदमत में ये छोटा सा खैर, अपना ही समझिए। आइए आइए बेटा, आ जाओ 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 भाई साहब, आप आ गए, शुक्र है खुदा का। आप आ गए। नहीं दादा, रो मत, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। नजाकत भाई, तुमने दोस्त से हक अदा किया है। दोस्त, तुम सहारा नहीं देते तो मेरे बीवी बच्चे जाने कान ठोकरे खाते रहते, भीख मांगते। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया कुछ। नहीं भाई साहब, नहीं, मेरे बाप ने भी आपके खानदान का नमक खाया था, मेरी रग रग में आपका नमक दौड़ रहा है। मेरे फर्ज को एहसान कहकर आप गाली दे रहे हैं मुझे। नहीं, मेरी औकात है आपको गाली देने की? क्या जो मन में सुख कह दिया, ये कहकर मन का बोझ हल्का हो गया? नहीं, अच्छा किया भाई साहब, बहुत अच्छा किया, आपके दिल का बोझ हल्का हो गया, मगर मेरे दिल के बोझ का क्या होगा? आपके दिल का बोझ? जी, कल का, आने वाली जिंदगी का। अरे कुछ नहीं, कल फिर जुट जाएंगे, हिम्मत है, मेहनत करेंगे, हो सकता है आने वाला कल फिर सुनहरा होकर आ जाए।
भाई साहब कल का सुनहरा दिन आपका इंतजार कर रहा है। मैं और गुप्ता आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे। गुप्ता? एसके गुप्ता? जी। उसे आज भी मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। वो तो अपनी सारी दौलत आप पे लगाने को तैयार हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका तजुर्बा और उनकी दौलत, दौलत की बरसात हो जाएगी। अल्लाह का नाम लीजिए और कल से काम शुरू कर दीजिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए कौन से मंत्री आ रहे हैं? देखिए, कोई मंत्री कोई मिनिस्टर इसके उद्घाटन के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि एक ऐसा इंसान करेगा जिसने पहली ईंट से लेकर आखिरी ईंट रखे जाने तक इस इमारत की रखवाली की है, और वो है यहाँ का चौकीदार बहादुर थापा। भाई बहादुर, इधर आओ। ये अपने हाथों से ये रिबन काट कर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करो। जी मैं काटो। पापा जी, जी खन्ना साहब ने जो आपको मान दिया है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? साहब, हम तो बहुत छोटा आदमी है, हम इतने बड़े आदमी के बारे में क्या बोलेगा। हम तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करेगा हमारे साहब को बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत बड़ा आदमी बनाए, और वो आसमान को छूने वाली लंबी लंबी बिल्डिंगे बनाए। एक खन्ना साहब, आपने इस कॉम्प्लेक्स का नाम अपने बेटे मनीष के नाम पर रखा है, लेकिन आपका बेटा अभी तक नजर नहीं आया। इतनी सी बात को लेकर आप अपसेट हो गए? अरे मनीष, इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि आपके बिजनेस में शामिल हो जाए? अरे भाभी, मैं रास्ते भर इनको यही समझाता रहा, मगर मेरी सुनता कौन है? हाथ जोड़े, पैर दबाए, सर दबाया, गला दबाया। नजाकत अली, तुमने बकवास बंद करते हो नहीं? 24 घंटे फटे हो, बांस की तरह बजते रहते हो यार। अब मेरा कुछ फटा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? जैसा गला है वैसी आवाज निकलेगी ना। ऊपर वाले ने मुंह दिया तो बोलना तो पड़ेगा ही। ऊपर वाले ने अकल दी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? करता हूँ, मगर आपकी समझ में नहीं आता। मैं जान से मार लूंगा किसी दिन। अरे मैं कब कहता वो मनीष मेरे बिजनेस में शामिल हो जाए? कम से कम मेरी खुशियों में तो शामिल हो सकता है। हर आदमी पूछ रहा था मनीष कहाँ, मनीष कहाँ, मनीष कहाँ, क्या जवाब देता मैं? वैसे हजरत इस वक्त कहाँ गए? कॉलेज गया होगा। गिराने के लिए? नहीं, नहीं नहीं नहीं, नाम ऊंचा करने के लिए। तुम अपनी बकवास बंद करो। कहाँ गया वो?
अगले हफ्ते कॉलेज के इलेक्शंस हैं और मेरा बेटा मनीष प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है। अरे भाभी समझ लीजिए, माशाल्लाह अपना मनीष प्रेसिडेंट बन गया। मुबारक हो, मुबारक हो। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे वो कॉलेज का नहीं इंडिया का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। अरे बन जाएगा। ये देखो जोकर के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। अरे यहाँ भी है यार। ओ इधर भी है ये फोटो। अरे यार मुन्ना भाई। हाँ भाई। ये पोस्टर को जम नहीं रहे हैं। उड़ा दे। उड़ा दूं? ए क्या कर रहे हो तुम लोग? पोस्टर फाड़ रहे हैं। क्यों फाड़ रहे हो पोस्टर? अच्छे नहीं लग रहे हैं इसलिए। अब इसकी जगह पे मनीष खन्ना के पोस्टर लगेंगे। आया समझ में? यहाँ अजय के पोस्टर लगे हैं, अजय के ही लगेंगे। मनीष खन्ना के पोस्टर किसी और दीवार पर लगाओ। ये अजय कौन है? ये अजय कौन है? अजय कौन है? कौन है? कौन है? गिली गिली गिली। ए शाना बता। ज्यादा बकबक करेगा तो पोस्टर तेरे मुंह पर चिपका दूंगा, समझा? इस कॉलेज में पोस्टर लगेंगे तो सिर्फ मनीष खन्ना के लगेंगे। कॉलेज क्या मनीष खन्ना के बाप ने खरीदा? कॉलेज मेरे बाप का है। वोट फॉर मनीष खन्ना। वोट फॉर मनीष खन्ना। वोट फॉर मनीष खन्ना। ये तो गुंडागर्दी है। कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने के लिए मारपीट कर वोट मांग रहा है और आप लोग खामोश हैं। क्या करें रीमा, पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। मनीष खन्ना का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर ने कह दिया कि तुम लोग का आपस का मामला है। पुलिस स्टेशन तक क्यों लाते हो? न पुलिस कुछ करेगी न कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और आप लोग डर के मारे यूं ही खामोश बैठे रहिए। तो बन जाने दीजिए उसे प्रेसिडेंट। कमाल है, बड़े घर का लड़का है तो कॉलेज में मनमानी करता है। तो फिर ये मीटिंग क्यों? हाँ प्रोटेस्ट किसके लिए? तुम इस कॉलेज में नहीं आई हो, तुम्हें यहाँ के हालात मालूम नहीं। हिम्मत हो तो हालात बदले जा सकते हैं। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं मनीष को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी कॉलेज की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगा। निकी क्या बात कर रही हो, तुम क्या करोगी? पहले ये बताओ तुम सब तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए नहीं कि मनीष से कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कि हमें अपने कॉलेज का माहौल ठीक करना है। तो सब मिलके बोलो मनीष खन्ना। मनीष खन्ना। मनीष खन्ना। मनीष खन्ना। मनीष खन्ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीसफुल इंक्वायरी हो तो खामोश रहिए। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और सुनो, कोई भी स्टूडेंट मेरे ऑफिस में आने की कोशिश नहीं करेगा। See that I am not disturbed. Yes, Nikki. एक्शन कमेटी के सामने बताओ तुम्हें क्या शिकायत है। सर, ये सब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं तो अपनी जान तक दे देना चाहती हूं। एक लड़की अपने मुंह से सब बातें कैसे कह सकती है सर? कैसी बातें करती हो निकी? जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। औरत इतनी मजबूर नहीं है कि न्याय मांगने के लिए उसके मुंह से आवाज भी ना निकले। बोलो निकी, बोलो। सर, मैं मनीष से बहुत प्यार करती थी। मुझे दुनिया में मनीष के सिवा और कोई नजर ही नहीं आता था। मनीष भी मुझसे बहुत प्यार करने लगा, मगर दुनिया की नजरों से छिपकर हम दोनों भावनाओं में इतने आगे निकल गए कि
नहीं नहीं, प्यार करना कोई अपराध नहीं है निकी, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के नौजवान हमेशा गलतियां कर बैठते हैं। यही तो मेरी बदकिस्मती है सर, जब मनीष के प्यार का सबूत मेरे पेट में पल रहा है तो मनीष मुझे पहचानने से बेनकार कर रहा है। फिकार है ऐसे मर्द पर जो अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह मोड़ लेता है। मिस्टर मनीष, किसने आपको हक दिया एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का? आपकी दौलत ने, आपकी शक्ल सूरत ने, या आपकी अयाशी भरी जिंदगी ने जो आपके बाप की दौलत पे पल रही है? किसी को कुवारी माँ बनाना मर्दानगी नहीं है, बल्कि उसके बच्चे को अपना नाम देना मर्दानगी है, समझे? रीमा, बात अब तक एक तरफी हो रही है, हमें मनीष को भी चांस देना चाहिए। मनीष, निकी ने जो तुम पर इल्जाम लगाए हैं क्या वो सच है? सर, आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मिस्टर मनीष, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता सर। इसका मतलब है कि तुम निकी के लगाए हुए इल्जाम को कबूल करते हो? नो कमेंट सर, मुझे कुछ नहीं कहना, मतलब जो चाहे निकाल लें आप लोग। मिस्टर मनीष, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया गया, यकीन है हमारे फैसले से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। यू आर रस्टिकेटेड। ये रहे तुम्हारे बेटे के करतूत, तुम्हें तो हमेशा दूध पीता बच्चा नजर आता है ना, अब यकीन हो गया कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो जवान हो गया अपना मनीष, यही तो दिन है उसके खाने खेलने के। लड़कियों की इज्जत से खेलने के दिन है उसके। हो सकता है कि ये इल्जाम झूठा हो, मेरा दिल कहता है कि मेरा मनीष इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। तुम और तुम्हारा दिल, मेरे दिल से पूछो। डॉक्टरों मैकेनिकों के बिल तो मुझे भरने पड़ते हैं, कभी किसी का सर तोड़ दिया, कभी किसी गाड़ी तोड़ दी, उल्लू का पट्टा। आप अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, गुंडा हो गया मेरा बेटा। ठीक कह रहे हैं आप डैडी, मैं गुंडा हो गया हूँ। नजाकत अली, इसे हटाओ मेरे सामने से, मेरा हाथ कभी उठा नहीं है, मैं कुछ कर बैठूंगा, हटाओ। ये नजाकत अली वल्द शराफत अली नहीं है जिसे जब चाहे निकाल देंगे आप, ये आपका बेटा है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो डांट दीजिए, उससे कहिए वो हरकत न करे जो उसने की है। क्यों मनीष? डैडी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, आप मुझे जो चाहे सजा दें। तुम्हारे एहसास से उस लड़की की जिंदगी नहीं सुधर सकती जिसे तुम बर्बाद कर चुके हो। उसका हल भी मैंने निकाल लिया डैडी। डैडी, आप मुझे आशीर्वाद दें और उस लड़की के घर चलकर हम दोनों की शादी की बात कर लें। चलो मियां नजाकत अली वल सलाफत अली, बारात की तैयारियां करो, अपनी बारात में सही, भतीजे की सही, फिर कह तो सकते हैं कि शादी नहीं की तो क्या हुआ, बराते तो देखी है। रीमा, विकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रीमा, मनीष की मम्मी डैडी मेरे घर आए थे, मेरी और मनीष की शादी की बात कर रहे हैं। ओह रियली, कांग्रेचुलेशंस, इसमें घबराने की क्या बात है, तुझे तो तेरे सपनों का राजकुमार मिलने वाला है। सपने चूर चूर हो गए रीमा, मैं अपने जाल में खुद ही फंस गई। सच तो ये है कि मेरे और मनीष के बीच कोई संबंध नहीं। क्या? आई एम इन लव विद अजय, और मैंने उसको इलेक्शन जिताने के लिए ये सब खेल खेला था। व्हाट, हाउ स्टूपिड कैन यू बी? जानती हो तुम्हारी इस बेवकूफी का किसी पे क्या असर पड़ा है? बेचारे मनीष को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, उसका सारा करियर बर्बाद हो गया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। प्लीज रीमा, मेरी मदद करो, मैं मनीष से भी माफी मांगने को तैयार हूँ। गुरु, चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली है, लेकिन सोचो कि अगर कहीं निकी ने हाँ कर दी तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गले पड़ जाएगी और तुम जिंदगी भर के लिए इस चाल के लिए पछताते रहोगे। क्यों? अरे प्यारे, वो तो अजय से प्यार करती है। अगर उसने सोचा कि मनीष अजय से अच्छा बकरा है तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी मनीष। हो आप, फरमाइए। कुआरी माओ की भलाई पर कोई नया भाषण तैयार किया है? आपसे कुछ बात करनी है। कहिए।
सब अपने ही लोग हैं यहाँ पर। यहाँ नहीं, एक मिनट आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले? अकेले तो हम आपके साथ अपने दोस्त को नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर आपने भी निक्की की तरह कोई बयान दे दिया तो इस उम्र में हमारा दोस्त दो दो बच्चों के बाप बनने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। Shut up, you clown. मनीष, प्लीज। हैं? तू जाएगा? मनीष, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मिस निकी, आपकी शर्मिंदगी आपके दिल का बोझ तो हल्का कर सकती है, मगर मेरा क्या होगा? मुझे तो कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा चुका है। आपका मुझसे माफी मांगना प्रिंसिपल के फैसले को बदल नहीं सकता। बदल सकता है, मगर निकी को प्रिंसिपल के सामने कहना पड़ेगा कि उसने झूठ बोला था, एक नाटक किया था, एक शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाया था। अगर ये नहीं कहेगी तो मैं कहूंगी। वाह, मिस रीमा बड़ी मेहरबान है हमारे मनीष पर, शराफत का सर्टिफिकेट भी दे दिया और वकालत के लिए भी तैयार हो गई। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। चलो मनीष, चलो। वाह गुरु, मान गए, तीर कहां पे मारा और निशाना कहां पे लगा, कन्या घायल हो गई। कॉलेज को रंगमंच बना दिया तुम लोगों ने, हर रोज नए नए नाटक करते रहते हो तुम लोग। अगर इस उम्र में ये हालत है तो आगे चलकर क्या होगा? अंजुम, मिस निकी, डू यू रियलाइज तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए सर, क्योंकि मैंने भी इन लोगों की झूठी बातों में आकर बहुत ज्यादती की है मनीष के साथ। न जाने क्या क्या कह डाला एक शरीफ इंसान को। सर मेरे ख्याल में सजा किसी को नहीं मिलनी चाहिए, सब अपने किए पर शर्मिंदा हैं, यही सजा काफी है। और फिर यारों दोस्तों के बीच तो शरारतें चलती रहती हैं सर। देखा, देखा आप लोगों ने, इसे इंसानियत कहते हैं। जिस आदमी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी आप लोगों ने, उसे आपकी जिंदगी की फिक्र है। मनीष बेटे, आई एम सॉरी। प्लीज सर, ऐसा मत कहिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। थैंक यू मनीष, आई एम वेरी सॉरी। कम ऑन रीमा, फॉरगेट इट। अब बोलिए। क्या बोलूं? माँ के दिल की बात समझ में आई? मैं ना कहती थी मेरा बेटा कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, इस बार आपका बेटा बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि आसमान का फरिश्ता हो गया। अरे कभी तो मेरे बेटे की तारीफ कर दिया करो, जब देखो लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ते फिरते हो। अरे यार मैडम नंदा, आप पहले एक बात बताइए, ये जो मनीष साहब हैं सिर्फ आपके बेटे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे? पता नहीं मामी, मैं चलता हूँ। अरे अरे इधर आ, पहले मेरी बात सुन, जल्दी आ इधर खड़े। क्या है मम्मी? अरे इधर तो आ, पहले मुझसे वादा कर कि तू मोटरसाइकिल तेज नहीं चलाएगा, नदी में नहाने के लिए नहीं कूदेगा, आग से दूर बैठेगा और कोई उल्टी सीधी चीज नहीं खाएगा। क्या कह रही हूँ मैं? मम्मी ये सारे वादे एक साथ करने या अलग अलग? इसमें हंसने की कौन सी बात है जी? तो फिर आप चुप रहिए। हाँ, मैं चुप। और तू तू माँ का मजाक उड़ाता है। ओके, मैं वादा करता हूँ जो कुछ आपने कहा है वो सब याद रखूँ। अब मैं चलूँ, सारी पिकनिक पार्टी आगे निकल गई। मगर जो असली वादा लेना था वो तो भूल गई हैं आप। कौन सा? इससे कहिए वहाँ जाके किसी से मारा मारी न करे, किसी का सर न फोड़े। आप शुभ शुभ बोलिए जी। हाँ देख बेटे, तू जा, तू जब तक यहाँ खड़ा रहेगा ना ये यूं ही बोलते रहेंगे। जा बेटे। बाय मम्मी। जा बाय। एक बात मेरी सुनते जाओ, अब की बार अगर आप किसी मुसीबत में फंसे तो मैं नहीं छुड़ाने वाला। रिमेम्बर दैट। आई रिमेम्बर दैट। ओके जाओ। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय। कितना हैंडसम बेटा है मेरा। जाहिर बात है बाप पे गया है। Thank you.
क्यों आई हैं यहाँ? ये सुनसान जगह, ये तन्हाई, ऊपर से एक जवान लड़का, किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो बदनाम हो जाएंगी मिस रीमा। कहो तो चीख चीख के लोगों को इकट्ठा कर लूं? पता नहीं क्या समझते हो खुद को। मैंने देखा कि अकेले हो, कोई साथी नहीं है, इसलिए चली आई मैं। मेरी तनाई बांटने? मेरी तनाई से आपको हमदर्दी क्यों है? चंद लम्हों का साथ तनाई दूर नहीं कर सकता रीमा। लम्हे बढ़कर साल हो सकते हैं, सारी उम्र हो सकते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। लेट मी गो, छोड़ मेरा हाथ। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा रीमा, कहां उम्र भर की बातें कर रही थी, अब एक पल में हाथ छुड़ाना चाहती हो? कभी
कोई भाए हमें सदियों से थी ये जुस्तजू से पहले ना आपके बाद आपसे पहले ना आपके बाद ना कोई आया ना आएगा हमेशा झगड़ा ही प्यार की बुनियाद बनता है ऐसा क्यों क्योंकि झगड़ा करके लोग एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को करीब से जानने लगते हैं और अच्छाइयां बुराइयां समझने लगते हैं सच कहते हो मैं भी तुम में बुराइयां ढूंढ रही थी बट यू सो बैड तुम में एक भी बुराई नजर नहीं आई लेकिन मैंने तो तुम्हारे में एक बुराई ढूंढ ली है रीमा इसका मतलब मैं बुरी हूँ क्या बुराई है मुझ में यही कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो आई लव यू रीमा आई लव यू छोड़ो ना मनीष ये क्या हो रहा है कुछ नहीं सर ऐसे ही बैठे थे मैंने देखा कैसे बैठे थे मुझे मालूम है कैसे बैठा जाता है तुम क्या समझते हो मैं कभी बैठा नहीं सॉरी सर सॉरी क्या होता है सॉरी माफी होता है सर ये इंग्लिश है आई नो इंग्लिश यू शट अप सर माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी अरे किसने कहा ये गलती है लेकिन जगह और टाइम का ख्याल रखना चाहिए ना बहुत लेट हो गया तुम लोग जाके आराम करो कल सुबह मोटरसाइकिल की रेस है गुड नाइट हैव सम रेस्ट गुड नाइट सर गुड नाइट चलो बॉयज एंड गर्ल्स ये मुकाबला हार जीत के लिए नहीं है इसलिए कोई भी सवार जीतने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा अगर कोई भी बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो पीछे बैठी सवार लड़की उसकी रिपोर्ट कर देगी और उस सवार को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा नाउ बॉयज गेट रेडी एंड स्टार्ट योर इंजिंस मैं आपको सिग्नल दूंगा 1 2 3 और आप लोग जाएंगे 1 2 ओके यप
रीमा क्या हुआ? रीमा क्या हुआ? रीमा को सर, अरे तू जख्मी हो गई, चलो चलो जल्दी करो, अरे अरे उठाओ जल्दी से, चलो रीमा। हेलो हेलो, दोषी साहब हैं? कौन, डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर दोषी साहब जी, क्या पागलपन है मनीष? जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग हुआ तो रीमा की जान भी जा सकती है। नहीं सर, रीमा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रीमा को। आपने सुना नहीं, प्यार करने वालों के जिस्म अलग अलग जरूर होते हैं, लेकिन जान एक होती है, और जिनकी जान एक हो उनका खून कैसे अलग हो सकता है सर? आप प्यार की ताकत देखना सर, हीमा के चेहरे की लाली वापस आ जाएगी। देखा आपने प्यार की शक्ति? नहीं मनीष, तुम्हारे विश्वास की शक्ति। चलो हम लोग चले। टेक केयर रीमा। कमाल हो गया यार, मनीष और रीमा का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। हाँ यार, बस बच गई रीमा। वो खुद भी बच गई और मनीष को भी बचा लिया। साला हर बार मेरे हाथ से बच जाता है। ए क्या कर रहा है? इससे पूछिए सर, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, इसने अचानक मुझ पे पीछे से हमला कर दिया। क्यों तुमने इस पर हमला किया? सर इसने हमारी जान लेने की कोशिश की, रेस जीतने के लिए इसने मोटरसाइकिल की रॉड निकाल दी। अगर रीमा नहीं होती तो हम दोनों की जान चली जाती सर। बकवास करता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने मोटरसाइकिल की रॉड निकाली थी? सबूत है सब, निकी तो इसकी दोस्त है, इसी से पूछ लीजिए। निकी, क्या अजय ने यह हरकत की थी? अजय, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड। सर मैं इसे बदला जरूर लूंगा, इसने रीमा का खून बहाया है। चलो रीमा। अरे जाजा, देख लूंगा, रीमा तेरी बीवी लगती है क्या? गिली 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 गिली।
मनीष वो मंदिर देख रहे हो? चलो दर्शन करते हैं। लो मेरे बच्चों, कल्याण भवन। तेरा इंतजार है, तेरी वफा पे
हम क्या कर बैठे। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। कमाल करती हो, मैं बस दो चार दिन में अपने मम्मी डैडी को पटाकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आ जाऊंगा। तुम्हें यकीन नहीं है? कैसी बातें करते हो, सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया है, और किस तरह विश्वास दिलाया जा सकता है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे डैडी कैसे आदमी है, कहीं डंडा लेके पीछे तो नहीं दौड़ेंगे? शट अप, मेरे डैडी बहुत ग्रेट हैं, उन्होंने मेरी आज तक कोई बात नहीं डाली। लेकिन माँ, यानी मेरी होने वाली सास। भाई सास को तो झेलना ही पड़ता है, चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन तुम्हारी तो माँ है। हाँ माँ है मेरी, लेकिन सौतेली, मैंने उन्हें कभी सौतेला नहीं समझा, लेकिन वो हर कदम पे मुझे एहसास दिलाती है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? एक छोटी सौतेली बहन, लेकिन वो मुझे सगी बहन से ज्यादा प्यार करती है। चलो साली तो अच्छी मिलेगी। तुमने तो मेरे खानदान की सारी कुंडली पूछ डाली, अब ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। मेरे घर में मुझे छोड़कर दो लोग और हैं, एक को मैं डैडी कहकर पुकारता हूँ, दूसरे को मम्मी। कैसे हैं वो लोग? वो लोग, माय डैड इज द ग्रेटेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड, और मम्मी, भाई जब पाप करने से मन भर जाए तो उस देवी के पैर छू लो, सारे पाप माफ हो जाते हैं। कितने खुशनसीब हो तुम, तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली। यार कुछ दिनों बाद वो तुम्हारी माँ भी तो हो जाएगी। मनीष प्लीज, बस कुछ ही दिन, बहुत दिन नहीं लगाना, बस कुछ ही दिन डार्लिंग। मीना। दीदी, रीमा दीदी आ गई। मम्मी, रीमा दीदी आ गई। कैसी है मेरी छोटी बहन? अच्छी हूँ दीदी। अच्छा हो तुम आ गई, मैं तो अकेली बोर हो गई थी, यू नो मम्मी मुझे बाहर भी नहीं जाने देती। अब मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों साथ घूमने चलेंगे, ओके? हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो वैसी की वैसी हूँ, तुम बताओ। कॉलेज बंद हुए 3 दिन हो गए और तुम आज घर आ रही हो, इतने दिन कहाँ थी? माँ हम लोग पिकनिक पे गए थे, सारे लड़के लड़कियों ने सोचा अपने अपने घर जाने से पहले हम सब एक साथ पिकनिक पे जाएंगे। साथ में लड़कियाँ थी या लड़के ही थे या सिर्फ लड़का था? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी? जैसी एक सौतेली माँ करती है। क्यों रीमा बेटी, भला बेटी क्या बड़ी हो गई कि बिना माँ बाप की इजाजत के जो जी मैं करती फिरे? मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप इतनी नाराज हो रही हैं। मेरी बेटी ऐसी मनमानी करे तो मैं उसकी टांगे तोड़ कर रख दूं। तुमसे तो कुछ कह नहीं सकती, बदनाम जो होती हूँ कि सौतेली माँ है, बेचारी का चैन से रहने नहीं देती। मगर लोगों को क्या मालूम, कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गई तो नाक तो हमारी कटेगी ना। बाप को तो कोई चिंता ही नहीं है, अपनी लाडली बेटी पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन भुगतेंगे। चलो दीदी अपने कमरे में चलते हैं। कहाँ चली दीदी की सगी, इम्तिहान में 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, जाके पढ़ाई कर। सुंदर है, बस सिर्फ सुंदर है। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, क्या गजब कर रही हो, और तुम्हें कुछ नहीं कहना इसके बारे में? और क्या कहूँ, तस्वीर बोल नहीं सकती, इसलिए ये नहीं पता चलेगा कि लड़की तोतली है या हकली है। तस्वीर चल फिर भी नहीं सकती, इसलिए ये भी नहीं पता चलेगा कि लड़की लंगड़ी है या लूली है। अरे मम्मी, लड़की है के कमाल, चलती है तो हिरनी जैसी, बोलती है तो कोयल जैसी, और मुस्कुराती है तो कलियों जैसी। अरे मम्मी, और क्या चाहिए आपको एक हिंदुस्तानी लड़की में, कितनी मुश्किलों से ढूंढा था आपके लिए, बोलिए ना मम्मी, क्या ख्याल है? तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो लड़की अच्छी होगी, फिर भी तुम्हारे डैडी से राय ले लेती हूँ। डैडी? हाँ? अरे मम्मी अभी ऐसा गजब मत करना, क्यों कसाई के सामने बकरी बांध रही हो? देखो पहले मामला जरा पक जाने दो, आप हाँ बोलो तो मैं चक्कर चलाता हूँ। चक्कर? इसका मतलब है अभी चक्कर भी नहीं चला? अरे मम्मी इससे तो चक्कर चल गया है, लेकिन इसके बाप से तो चक्कर चलाना पड़ेगा, मैं इसके बाप से मिल जाता हूँ। पहले मुझसे लड़की मिलवा। पहले इसके बाप से तो हाँ करा लूँ, देखो मम्मी फिर आपसे मिलाने ले आता हूँ। पक्का? पक्का।
लेकिन मम्मी अभी डैडी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जहाँ आज तक तेरी इतनी शरारतें छुपाई हैं, वहाँ ये भी शरारत छुपा लूंगी। यू आर ग्रेट मम्मी, यू आर ग्रेट। बाय नॉटी बॉय। चलो ना दीदी, क्या सोच रही हो? मीना देख सरा कौन है। यस मेरा नाम मनीष है। वेरी गुड। फिर यानी कि आपको मेरा नाम सुनकर कुछ नहीं लगा? जी नहीं, नाम तो ठीक ठाक है। वैसे क्या लगना चाहिए था? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है आप रीमा की छोटी बहन है। हम्म, फिर कौन है मीना? अभी तक मैम ने बताया। हाँ बताया, मिस्टर मनीष। मनीष हाय मनीष। मीना इन्हें अंदर आने देना। मैंने कब मना किया है, इन्होंने तो कहा ही नहीं कि आना चाहते हैं। आओ आओ मनीष, बैठो। डैडी ऊपर है, आते ही होंगे। कौन आया है? माँ ये मनीष है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। मनीष मेरी माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बेटे तुम भी इसी शहर में रहते हो? जी नहीं आंटी, मैं तो अभी शहर में आया हूँ और ये पहला घर है इस शहर में जो मैंने देखा है। शशि, शशि। डैडी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन डैडी। मनीष डैडी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे शशि कुछ चाय वाय का तो बंदोबस्त कीजिए। अच्छा तो आप हैं मनीष? अरे भाई ये लड़की आधी रात तक तुम्हारी बातें करती रही, लेकिन मैंने कहा तुम कुछ भी कहती रहो, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा ना यकीन नहीं करूंगा तुम्हारी बातों पर। अब तो देख लिया डैडी। बिल्कुल देख लिया, और ये भी यकीन हो गया कि मेरी बेटी की नजर हमसे कम नहीं है। मनीष बेटे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी बिल्डर हैं, काफी मशहूर बिल्डिंग्स बनाई है मेरे डैडी ने अपने शहर में। अच्छा गुड, हमारी लाइन के हैं। क्या नाम है उनका? मिस्टर बी एस खन्ना। क्या वो पहले से इसी शहर में रहते हैं? जी नहीं, पहले पूना में रहते थे। कुछ कमीने दोस्तों की बेईमानी की वजह से बर्बाद होकर इस शहर में चले आए। क्योंकि ईमानदार और मेहनती बहुत हैं, इसलिए फिर से कारोबार जमा कर उतनी ही तरक्की कर ली। अरे भाई ऐसे आदमी से तो मिलना बहुत जरूरी है, और ये भी तो पूछना है कि हम जैसे गरीबों के घर उन्हें रिश्ता करने से कोई एतराज तो नहीं है। बेटी मेरी बात पर विश्वास करो, उस खानदान में उस घर में तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों डैडी, हम लोगों में क्या खराबी है? मनीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो उसकी कोई बात नहीं टालते। इकलौते बेटे की जिद पूरी करना और बात है, लेकिन ये शादी का मामला है। शादी भी तो औलाद की खुशी में शामिल है डैडी, वो मनीष की मर्जी और पसंद को कैसे ठुकरा सकते हैं? मनीष ने मुझे यकीन दिलाया है कि उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा। बेटी मनीष ने केवल तुम्हें यकीन दिलाया है, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं। मेरे ख्याल से उसका बाप वही बी एस खन्ना है जिसे मैं जानता हूं। वो किसी भी हालत में तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएगा बेटी, वो एक नंबर का मक्कार आदमी है। डैडी कहीं आप मेरी शादी अपनी मर्जी से तो नहीं करवाना चाहते? कैसी बातें करती हो बेटी, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चलो, शायद फिर तुम्हें यकीन आएगा कि तुम्हारा बाप ठीक कहता है। मैं तुम्हें और खुद को उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटने की तकलीफ से बचाना चाहता था। चलो आओ बेटी। नमस्ते जी। तुम? जी हाँ मैं, मेहता। पहचान लिया आपने? तुम्हें पहचानने में तो एक ही बार गलती की थी मेहता, अब तो तुम्हारे बदन की बदबू से भी तुम्हें पहचान लूंगा मैं। आप जो चाहे कह लीजिए खन्ना साहब, हम तो सुनने आए हैं। लड़की वाला हूं ना। ये मेरी शराफत है कि तुम अब तक मेरे ऑफिस के अंदर खड़े हो, इसलिए अपने इस गंदे दिमाग में आई हुई मक्कारी को बयान करो और निकल जाओ इस मंदिर से,
जिसे मैंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से बनाया है। खन्ना साहब, इस बेइज्जती का जवाब तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मजबूर हूं, वो भी अपनी औलाद की खुशियों के लिए। ये मेरी बेटी रीमा है। फिर तो ये बड़ी बदकिस्मत है कि तुम इसके बाप हो। खन्ना साहब, इसकी और एक बदकिस्मती है कि ये आपके बेटे से प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। अब यकीन हो गया कि तुम्हारी बेटी है, क्योंकि ये तुम्हारी तरह मक्कार और चालाक भी है। एक अमीर लड़के को अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी दौलत को हथियाने का प्लान बना लिया इसने। खन्ना साहब, तमीज से बात कीजिए। चिल्लाओ मत लड़की, ये तुम्हारे बाप का जुआ खाना नहीं, मेरा ऑफिस है, यहाँ शरीफ लोग काम करते हैं। माइंडेड, देखिए आप, प्लीज बड़ों से मुंह नहीं लगते। खन्ना साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, इस वक्त न जाने किस बात पर नाराज है। शरीफ लोग अपने दरवाजे पे आए लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। चलिए डैडी, न जाने मनीष इस आदमी के गुण क्यों गाता रहता है। चैन आ गया ना अपने बेइज्जती करवा के, कर दिए ना अपने लाली बेटी के सपने पूरे। अगर मैं कुछ कहूँ तो सौतेली कहलाऊं। क्या जरूरत थी उनके ऑफिस में जाने की? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। प्लीज प्लीज, थोड़ा आहिस्ता बोलो, रीमा सुन लेगी तो उसे दुख होगा। आहिस्ता क्यों बोलूं? मुझे किसी का डर है क्या? सुन ले मेरी बला से। मेरा पति अपनी इज्जत का दिवाला निकलवा कर आए और मैं खामोश बैठी रहूं? अरे वाह, कितनी बार कहा है कि पटेल भाई जी के बेटे के साथ उसकी शादी करवा दो। बम्बई का सबसे बड़ा रईस है वो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहां हो? रीमा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कैसे की जा सकती है? और आखिर लड़के के साथ जिंदगी रीमा को गुजारनी है, हमें और तुम्हें तो नहीं। ठीक है तो फिर बैठे रहो अपनी बेटी की पसंद के लिए। तुम्हें तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन वो अपने किसी आशिक के साथ अपना मुख काला करवा कर आएगी। दीदी, डैडी, रीमा दीदी को क्या हो गया? रीमा, रीमा, अरे अरे, ये क्या हो गया? शशि, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, रीमा कैसी है? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, कमजोरी की वजह से चकरा के गिर गई। लेकिन तुम लोग क्या उसका ख्याल नहीं रखते? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, तुमने सारे खानदान की हेल्थ खराब कर ली। शी नीड्स स्पेशल केयर। और क्या ख्याल रखें? खाती पीती है, घूमती है, इस घर में क्या कमी है उसे? और ये स्पेशल केयर क्या होती है? शशि बहन, माँ होकर भी तुम ये नहीं जानती कि एक माँ बनने वाली औरत को क्या चाहिए। डॉक्टर, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? रीमा कुंवारी है। डॉक्टर क्यों झूठ बोलेगी मेहता साहब, रीमा माँ बनने वाली है, ये बिल्कुल सच है। अब मनीष को कुछ बता भी नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि किसी की नफरत का असर उसकी सेहत पर पड़े। भगवान भी न जाने क्या क्या खेल खेलता है। अब बताओ, हमारे बेटे को क्या मेहता की लड़की मिलनी थी, अब क्या होगा? क्या मालूम क्या होगा, बार बार यही सवाल मैं अपने आप से करता हूँ कि अब क्या किया जाए, लेकिन जवाब ही नहीं सूझता है। मनीष उस लड़की से बहुत प्यार करता है, कई बार मुझसे कह चुका है कि आपसे उसकी शादी की बात करूं। अब पूछेगा तो मैं उसे क्या कहूंगी? कुछ नहीं, गोल कर जाओ, क्योंकि मनीष पर अगर पाबंदी लगाएंगे तो डर लगता है कहीं बागी ना हो जाए। आजकल के बच्चों को अक्ल तो होती नहीं, सिर्फ एक ही रट होती है कि उनकी इज्जत पूरी की जाए। कुछ मत बताना। लेकिन एक दिन तो बताना ही पड़ेगा, कब तक छुपाएंगे? जब तक छुपा सके। हो सकता है वक्त के साथ हालात बदल जाए और कोई रास्ता सूझ जाए, लेकिन तुम एक बात याद रखना, उस लड़की का कोई फोन या खत मनीष तक मत पहुंचने देना। ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मेहता ने हम लोगों की जिंदगी तो उन्होंने बना ही दी थी, अब हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे खिला हुआ है। बहुत ही बुरा हुआ, भगवान हमारी सहायता करे। अब भगवान भगवान करने से क्या होगा, अब तक तो आंखों पे पट्टी बांधे बैठे रहे। मैं कुछ बोलूं तो सौतेली कहलाऊं, मेरी बेटी भी तो जवान हो रही है। कोई लड़का आएगा हमारी चौखट पर तुम्हारी बेटी की करतूत सुनकर?
मुझे बुरा भला कहने से क्या होगा? कुछ सोचो कि अब क्या किया जाए। मेरी इज्जत क्या तुम्हारी इज्जत नहीं है शशि? अब तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उस पाप की निशानी को मिटा दो, और अगर तुम्हारी बेटी हराम का बच्चा पालना चाहती है तो उसे इस घर से कहीं दूर भेज दो। कहां भेज दूं जवान लड़की को, और वो भी इस हालत में? हाय हाय, कितनी चिंता है अपनी बेटी की जवानी की। अब डर काहे का, जो करना था वो तो कर ही चुकी, कौन मुंह मारेगा झूठे बर्तन में। शशि जरा सोच समझ के बात करो, रीमा तुम्हारी बेटी समान है। बस कुछ बोलूं तो सौतेली कहलाऊं, मैं उसकी दुश्मन हूँ, मैं भी तो उसके भले की सोच रही हूँ। तुम तो उसको बुरा भला कहे जा रही हो, कोई तरकीब सोचो। तुम रमेश को जानते हो, पूना वाला, मेरे रिश्ते का भाई? अरे हाँ हाँ। बड़ा शरीफ लड़का है वो, अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई। क्या मतलब तुम रमेश के साथ? तुम तो बिल्कुल सठिया गए हो, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझे रीमा को रमेश के घर भेज दो। इस बहाने दुनिया वालों की नजरों से ये पाप तो छुपा रहेगा। लेकिन रमेश मान जाएगा? ये तो मुझ पर छोड़ दो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं रमेश से बात करूं। ठीक है, तुम रमेश से बात करो। डैडी, मुझे आपसे एक बात करनी है। फिर कभी कर लेना बेटे, आज बड़ी मुश्किल से तेरे डैडी को थोड़ा सा वक्त मिला है घर में आराम करने का। इसीलिए तो बात करना चाहता हूँ मम्मी, फिर न जाने डैडी को कब वक्त मिले। अच्छा बाबा, बोल बोल बेटा, क्या चाहिए? डैडी, आप मेरी खुशी हर हाल में चाहते हैं, इसीलिए तो बात करने की हिम्मत आ गई है मुझ में। डैडी, मेरी एक खुशी और पूरी कर दीजिए। मैं तुम्हारी हजार खुशियां पूरी करूंगा, बोलो कौन सी चीज चाहिए? जो मांग रहा हूँ डैडी वो कोई चीज नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मांग रहा हूँ आपसे। अरे भाई, मेरी सारी दौलत पूरी पड़ेगी या कुछ और कमाना पड़ेगा? उसके लिए आपकी दौलत नहीं डैडी, आपकी इजाजत और आशीर्वाद चाहिए। डैडी, मेरी शादी कर दीजिए। शादी करेगा? नालायक, खुदा पहाड़ निकला चूहा डरा दिया। अरे इसमें इतना ससुर मारने की क्या जरूरत है? तो आपको कोई एतराज नहीं? अरे इसमें एतराज की बात क्या है बेटा, बहू आएगी तो घर में बेटी की कमी पूरी हो जाएगी, छोटा सा पोता होगा, बाल नोचेगा, दादा कहकर सीने से चिमट जाएगा। अरे इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? यू आर ग्रेट डैडी, यू आर ग्रेट। आप तो सारा प्लान बना कर बैठे। हाँ तो और क्या करें, बेटे की खुशी के अलावा जिंदगी में और प्लान हो भी क्या सकता है? बस मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ कि तू पढ़ाई पूरी कर ले, थोड़ा सा बिजनेस सीख ले, उसके बाद चट मंगनी और पट शादी। लेकिन डैडी, मैं चाहता था कि जल्दी। ना, 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 जल्दी वल्दी कुछ नहीं, मेरा सपना है कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, मेरा सारा कारोबार अपने जिम्मे ले लो, उससे पहले कुछ नहीं। जी हाँ, उसी में तुम्हारी भलाई बेटा, समझ गए? नादानी तो तुमने बहुत बड़ी की है, अगर लोगों को मालूम पड़ गया तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। खन्ना को तो तुम देख चुकी हो, हर कीमत पर वो यही कोशिश करेगा कि तुम्हारी और मनीष की शादी ना हो, लेकिन तुम्हें मनीष पर विश्वास है, इसलिए मुझे भी उम्मीद नजर आती है। विश्वास के सिवा मेरे पास और है ही क्या डैडी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। हाँ, मैंने एक नादानी की है, लेकिन उस नादानी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बच्चों जैसी बातें मत करो, हो सकता है कि यही नादानी तुम्हारे लिए वरदान बन जाए और यही बच्चा खन्ना को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दे। अगर उसमें इतनी भी इंसानियत होगी ना तो अपने पोते का मुंह देखकर उसका दिल पसीज जाएगा। सच डैडी, कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो तो बहुत कुछ सकता है बेटी, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, इस बच्चे का जन्म इस घर में। बड़ी मुसीबत होगी बेटी, बड़ी मुसीबत होगी, लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, मुझे ताने देंगे, तुम्हारी मां को बातें सुननी पड़ेंगी, ये सब हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन पर जो असर पड़ेगा उस। नहीं डैडी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को बदनामी और तकलीफ उठानी पड़े।
मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रास्ता सोच लिया है मैंने। क्या? बेटी, बच्चा पैदा होने तक तुम्हें किसी दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। उसके बाद हम बच्चा लेकर खन्ना के पास जाएंगे और उसकी गोद में उसका खून डाल देंगे। फिर मैं देखता हूँ वो कैसे अपना दामन बचाता है। मैं मनीष को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती डैडी। प्लीज प्लीज कुछ करिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ डैडी। मत रो बेटी, मत रो। मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मत रो बेटी, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, सब ठीक हो जाएगा। रीमा बेटी चलो, भी देर हो रही है। आई माँ। चलो बेटी। डैडी मैं एक बार मनीष को फोन कर लूं। ओके, लेकिन उसे बताना नहीं कि तुम कहां जा रही हो, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बताऊंगी। ओके। फोन। हेलो। हेलो मनीष है? आप कौन बोल रही हैं? जी मैं रीमा बोल रही हूँ। रीमा बोल रही है, मनीष के लिए पूछ रही है। मनीष बाहर गए। कहाँ गए? अमेरिका। कब आएंगे अमेरिका से? एक महीने बाद। एक महीना? बेटी। डैडी, मनीष ने ऐसा क्यों किया? क्यों गया मुझे बताए बिना? रो मत बेटी, रो मत। उसकी कोई मजबूरी होगी, और तुम एक महीने की जुदाई से इतनी परेशान हो गई। तुम्हें तो कई महीने बर्दाश्त करना होगा, कई महीने उसके बगैर रहना होगा। चलो बेटी रो मत, चलो। बेटी अपना ख्याल रखना। चलो। Thank you.
हीरे इश्क में हम पास आएंगे, पास आके उम्र भर ना दूर जाएंगे। धीरे धीरे इश्क में हम पास आएंगे, पास आके उम्र भर ना दूर जाएंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो बेटा। आंटी रीमा घर पर है? रीमा, तुम उसके दोस्त हो ना? कैसे दोस्त हो जो उसकी खुशी में शामिल तक नहीं हुए? जी मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें रीमा की मंगनी का कार्ड नहीं मिला? बेचारी आखिर तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मंगनी कार्ड? आंटी ये सब क्या कह रही हैं आप? रीमा की मंगनी हो गई? किससे? बड़ा अच्छा लड़का है, लंदन में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। रीमा के डैडी ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रीमा को भी लड़का बहुत पसंद है। आंटी प्लीज, रीमा का
मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ। लंदन जाना पड़ेगा तुम्हें। पता नहीं वो लंदन में हो या स्विट्जरलैंड चले गए हो। रीमा का मंगेतर कह रहा था कि शादी से पहले मैं उसे सारी दुनिया घुमा दूंगा। भाई बड़े लोगों के बड़े ठाट होते हैं। वैसे रीमा एक महीने के बाद वापस आएगी। क्या रीमा ने अपनी मर्जी से मंगनी की आंटी? उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। आंटी आप तो जानती हैं मैं रीमा के डैडी से शादी की बात करके गया था। मैं कुछ बोलूं तो सौतेली कहलाऊं। सच तो ये है कि रीमा बड़ी लालची लड़की है। जब उसने लंदन वाले लड़के को देखा तो सब कुछ भूल गई। और जब सारी दुनिया घूमने की बात आई तो उसे अपना देश भी बुरा लगने लगा। तुम्हारे अंकल ने उसे पूछा भी कि बेटी तू तो मनीष को पसंद करती है, तो कहने लगी डैडी गलती तो कभी भी सुधारी जा सकती है। मेरी मोहब्बत उसे गलती नजर आई? अब गलती तुम कर रहे हो। भला ऐसी लड़की के लिए दुखी होना कहाँ की अकलमंदी है? तुम अमीर हो, कितने हैंडसम हो, क्या कमी है तुम्हें लड़कियों की? एक ढूंढो हजार मिलेगी। मनीष बेटे मुझे जरा पूजा के लिए देर हो रही है। हा? नेकी राम, ओ नेकी राम, साहब को चाय पिलाए बगैर मत भेजना। बेटे चाय पीकर जाना, मैं चलती हूँ। मनीष बाबू अब उदास होने से क्या फायदा? आपने आने में बहुत देर कर दी। रीमा बिटिया ने आपको बहुत पत्थर लिखे, बहुत टेलीफोन किए, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कोई खत कोई टेलीफोन नहीं मिला उस मतलबी लड़की का। आप अमेरिका गए हुए थे और आपने तो रीमा बिटिया को बताया भी नहीं कि आप अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अमेरिका कब गया था? क्या बताऊं बाबूजी, रीमा बिटिया ने आपके घर फोन किया तो पता चला कि आप अमेरिका गए हुए हैं। बहुत रोई वो। आपको मालूम है वो आपके बच्चे की मां बनने वाली। क्या रीमा मां बनने वाली है? क्या कह रहे हो तुम? फिर भी उसने मंगनी की? कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई बाबूजी, ये सब बनाई हुई बातें हैं। वो बड़ी जालिम है उसकी सौतेली मां। उसने रीमा बिटिया को खून के आंसू रुलाए हैं। तुम दोनों के प्यार की निशानी को मिटाने के लिए उसने रीमा बिटिया को किसी दूसरे शहर में भेज दिया। क्या बताऊं बाबूजी, रीमा बिटिया पे क्या गुजरी होगी। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बाबा तुम जानते हो कि रीमा को कहां भेजा है अत्याचारियों ने? हाँ जानता हूँ बेटा, इस कागज पे लिखा हुआ है। ये मैंने मेम साहब की डायरी से चुराया था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रीमा बिटिया को बचा लो बेटा। पूना बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने रीमा को ही नहीं मुझे भी बचा लिया। बाबा तुम चिंता मत करो, रीमा को कुछ नहीं होगा। अरे मामा जी आज जल्दी आ गए। मैं तो सोच रही थी हर रोज की तरह आज भी मुझे आपके इंतजार में 10 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। शराब? मामा जी आपने शराब पी है? शराब नहीं पीऊं तो क्या करूं? अरे तेरे साथ रहकर कोई कैसे होश में रह सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल की बात कर रहा हूँ, दिल की जी। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, हर रात तेरा जवान जिस्म देखकर मेरे बदन में आग लग जाती है। आग उसी को बुझाने के लिए शराब पीता हूँ। आप पागल हो गए मामा जी, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। कितने भरोसे से मेरे माँ बाप ने आपके पास भेजा मुझे। अरे भरोसा किया तो अच्छा किया ना मुझ पर,
लेकिन तेरी जवानी पर भरोसा क्यों किया? अरे तेरी ये जवानी किसी को भी भड़काने के लिए काफी है। निकाल दो अपने मन से इस शैतान को मामा जी। मामा जी, मैं किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, अब तो कोई खतरा ही नहीं है ना। तेरे बच्चे को उसका नाम तो मिल ही गया भाई। अपने किए की सजा मिल गई है। चलो रीमा। जिंदगी साथ गुजारनी है तो दुख सुख भी साथ ही भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन बन गए, इसका ये मतलब तो नहीं मेरे माँ बाप भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हारे घर में कबूल नहीं किया जाएगा। मनीष, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो वो ठोकर मुझे भी लगेगी। रीमा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। कोई रिश्ता, कोई ताकत तुम्हारा साथ छोड़ने पर मुझे मजबूर नहीं कर सकते। चलो रीमा, अपने घर चले। हाँ। नंदा, जाने में देर हो जाएगी, सुबह बैंकर्स के साथ मीटिंग है, फिर शाम को कॉन्फ्रेंस है। आज शाम को जल्दी वापस आइएगा, देर मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग डैडी। पहले आप ये बताइए कि आप दो दिन से थे कहाँ? डैडी, ये रीमा है। नमस्ते। इसके माँ बाप ने इसे धोखे से पूना भेज दिया था ताकि ये मुझसे मिल ना सके। वो तो इत्तेफाक से मुझे पता चल गया तो मैं इसे लेने पूना चला गया। That's good. चलो, तुम इतने बड़े तो हो गए कि अपने फैसले खुद करने लग गए, माँ बाप से मशवरा करने की जरूरत ही नहीं समझी तुमने। डैडी, आपसे मैंने कहने की कई बार कोशिश की लेकिन आपने ही टाल दिया, और फैसला करना जरूरी था। आपकी मर्जी का इंतजार करने का वक्त ही नहीं था मेरे पास। That's good. सुनिए, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। आओ बेटा। एक मिनट मनीष, एक शर्त पर अंदर आ सकता है कि वो अकेला आएगा तो। मनीष। डैडी, इस लड़की से वो रिश्ता बन चुका है जो अब तोड़ा नहीं जा सकता। मैं रीमा से शादी कर चुका हूँ, अभी आपकी बहू है। जज्बात के बहाव में आकर किसी भी लड़की के मांग में सिंदूर भरने का मतलब शादी नहीं होता है। हमारा नादान बेटा किसी राह चलती लड़की का हाथ पकड़कर उसे हमारे घर लेकर आएगा तो हम उसे बहू कभी नहीं मानेंगे। शादी खुलेआम समाज के सामने की जाती है, छुपकर पाप किए जाते हैं। डैडी, शादी एक दूसरे को अपनाने
और कबूल करने का नाम है। वो छुप कर की जाए या खुले आम, समाज के सामने तो दिखावा होता है। ये दिलों का सौदा है डैडी, समाज की मंडी में रखा हुआ सामान नहीं। आखिर आखिर रीमा में कमी क्या है, क्या दुश्मनी आपकी रीमा? दुश्मनी पूछते हो? मैंने अपनी जिंदगी की कीमती 7 साल जेल में गुजारे इस लड़की के बाप की वजह से। इसकी जिम्मेदार रीमा कैसे होगी डैडी? अच्छा, तुम्हारी माँ को 7 साल खून के आंसू रुलाए इसके बाप ने? इसके बाप ने डैडी, इसने नहीं। तुझे क्या मालूम वो 7 साल तेरी माँ ने और मैंने कैसे गुजारे? हमारा जीवन नरक हो गया था इस लड़की की बाप की वजह से। बाप के कर्मों की सजा इसे क्यों मिल रही डैडी? ये तो अपने माँ बाप को भी छोड़कर मेरे साथ आ गई है। आज माँ बाप को छोड़कर आई है, कल तुम्हें छोड़कर चली जाएगी बेवकूफ, क्योंकि ये मक्कारों की खानदान की है, मक्कारी से कभी बाज नहीं आएगी। डैडी, ए तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि आज तुम ऊंची आवाज मुझसे बात करो? आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना समझ लीजिए, अगर रीमा से रिश्ता बना नहीं सकते तो बेटे से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। रीमा के प्यार ने इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं आपकी दौलत के सहारे के बिना जिंदा रह सकता हूँ। चलो रीमा। नहीं मनीष, मैं तुम्हारे साथ नए रिश्ते बनाने आई थी, पुराने रिश्ते तोड़ने नहीं। अंकल आंटी, मैं अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करूंगी, आपके बेटे की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। प्लीज आप मनीष को कुछ मत कहिए। लड़की, माना कि तुम बहुत अकलमंद हो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे इस दिखावे के आंसू में अपने फैसले बहा दूंगा। इतना बेवकूफ नहीं हूँ। सुन लिया रीमा, इनकी जिद पर नफरत की कालक चढ़ी हुई, जिसे तुम जैसी मासूम के आंसू धो नहीं सकते। चलो। अच्छा है, जाओ जाओ, इसी बहाने जिंदगी का तजुर्बा हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि हमने आज तक किसी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजरती है, इसके लिए बहुत सारे सहारों की जरूरत पड़ती है। जिस दिन इस लड़की से दामन छुड़ा लो, लौट आना, इस घर के दरवाजे तुम्हें खुले मिलेंगे। सुनिए, ये क्या कह रहे हैं आप? रोकिए अपने बेटे को, आखिर वो हमारी औलाद है। अरे जिस दिन औलाद बाप के सामने सीना तान के खड़ी हो जाते, ऐसी औलाद के सामने बाप को पीठ मोड़ लेनी चाहिए। मनीष नहीं। मम्मी, जिस दिन बाप औलाद की तरफ से पीठ मोड़ ले, उस दिन औलाद को अपने तरीके से जीना सीख लेना चाहिए। चलो रीमा। इतने बड़े शहर में कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, हम लोग कहाँ रहेंगे? और होटल में रहने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। सुना है गोवा के वेटर बड़े काम की चीज होते हैं, पूछते हैं इसी वेटर से। ये बिल सर, 85 रुपीज। बाकी तुम रख लो। थैंक यू सर। हाँ सुनो जी, यहाँ कहीं रहने की जगह मिलेगी? क्यों नहीं साहब, अखा गोवा होटलों से भरा पड़ा है। होटल नहीं यार, किराए का मकान, 400-500 रुपए किराए का मिलेगा। इतने में तो झोपड़ी ही मिलेगी। देखो दोस्त, हम लोग परेशानी में, झोपड़ी भी चलेगी। देखो साहब, तुम लोग अच्छे आदमी लोग लगता है, इसके लिए हम बोलता है, गोवा में किसी से ना कहना कि तुम लोग परेशानी में है, किसी गुरु के हाथ लगेगा तो तुम्हें बेच डालेगा। हम तुमको आइडिया देता है, यहाँ से थोड़ा दूर एलिक्स बार है, वहां तुम्हें चार्ली नाम का आदमी मिलेगा, अगर वो आदमी मिल गया तो समझो काम हो गया। ये चार्ली कौन है? पंसारा, तुम लोग मेरा बात नहीं माना क्या? बंबई में कितना साल कोशिश फेल हुआ, फिर दारू पीना शुरू, जबकि चार्ली बोलता है कि दारू पीने से कॉन्फिडेंस। चार्ली भाई कौन है? साइलेंस। जब चार्ली बोलता है तो समझ लो आकाशवाणी बोलता है, डिस्टर्ब करने का ना को। चार्ली भाई मैं नंदू है, बहुत अच्छा लड़का है, दारू नहीं पीता ना, बहुत अच्छा लड़का है, दारू पीने से कॉन्फिडेंस मालूम है, चला जाता है। तुमसे कोई मिलने को आया? उधर मेरे को मिलना है। हाँ कौन? मनीष। ये अब उनका चार्ली भाई। हेलो चार्ली भाई। हेलो, हेलो। मुझे फेडिल रेस्टोरेंट के वेटर अब्बास ने भेजा। अब्बास,
बहुत अच्छा लड़का है, दारू नहीं पीता है ना, क्या है कि दारू पीने से कॉन्फिडेंस चला जाता है, इसी दारू ने हमको दिलीप कुमार नहीं बनने दिया। क्या बने? ए, पर्सनल बात नहीं सुनेगा, चलो जा। जाता बोलो क्या काम है? हम इस शहर में नए हैं और रहने के लिए जगह भी नहीं है। अब्बास ने बताया था कि आप किराए का मकान दिला सकते हैं। चार्ली को जो मन में आ जाए वो सब कुछ कर सकता है। बोलो भाड़ा कितना देंगे, डिपॉजिट कितना देंगे? भाड़ा 400-500 रुपए तक। और डिपॉजिट? चार्ली भाई इतना कैश तो हमारे पास नहीं है। ए भाई कैश नहीं है तो इधर चेक नहीं चलता है क्या? हर आदमी को इधर कैश मांगता है, बगैर डिपॉजिट के तो मकान क्या कवर तक का जगह नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कवर का जगह नहीं मिलेगा। मकान वाले को रोकड़ा दोगे, पैसा दोगे, पैसा लेके दारू पीना हो जाएगा। चार्ली भाई प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारे इस शहर में कोई नहीं है और सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए ना। अगर आप ये चेन बिकवाने में मदद करें तो पैसे। रीमा ये क्या कर रही हो? एक मिनट मनीष, प्लीज चार्ली भाई। क्या बोला, क्या बोला तुम? चार्ली भाई ये फैशन से बोला कि दिल से बोला? दिल से बोला। दिल से बोला तो हमारा बहन हुआ ना, इसको उतारने का कोई जरूरत नहीं। चार्ली दारू पीता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इतना कमीना नहीं है कि बहन का जेवर उतार लेंगे। एक बार चार्ली ऐसा पाप किया, किया था एक बार चार्ली ने ऐसा पाप, अपनी बहन का जेवर बेच के हीरो बनने चला गया था चार्ली। अक्का जिंदगी भर अपना बहन को सकर नहीं दिखा सका, ये दारू पीता है। I'm sorry चार्ली भाई। चलता है चलता है। तुमको मकान चाहिए ना? मिलेगा, हम तुम्हारा भाई, तुम भाई। चल चल। कबूतर कबूतर। श्रीमान मनीष खन्ना जी। जी अब अपना यही ठिकाना है, उतारिए कपड़े और शुरू हो जाइए। हाँ यार अब तो यही रहना पड़ेगा। अगर तकदीर को इस झोपड़ी में न रखना होता तो हमें महलों से क्यों निकालती? सही कहा डॉक्टर, ये तुम कैसा इलाज कर रहे हो? अरे कैसी दवाएं दे रहे हो, कोई असर ही नहीं हो रहा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भाभी को दवाओं की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक आराम से सोती रहेंगी, लेकिन जागने के बाद तो बेटे की याद आएगी। मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं जो बेटे को भुला सके। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटे तू आ गया। मनीष मनीष तू आ गया। मनीष चार्ली जानता है अपनों से बिछड़ने का
बहुत कम होता है भाई, पर क्या करेगा, लाइफ वैसा ही चलता है। गम भुलाने के लिए दारू पिएगा तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस चला गया तो फिर। चाली भाई प्लीज, जब अपनों ने अपना नहीं समझा तो उसके लिए क्यों रोना, जिंदगी तो चलती रहती है। लेकिन उसे चलाने के लिए रिश्तों से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। घर तो आपने दे दिया, लेकिन रोटी तो खुद कमानी पड़ेगी। मतलब नौकरी मांगता है? हाँ, ये नौकरी किधर मिलेगी भाई? मिल गई नौकरी, मिल गई। अब यहाँ बैठे बैठे, इधर बैठे बैठे क्या है, चार्ली का बहुत दोस्त चार्ली के साथ दारू पीता है, फुल कॉन्फिडेंस चार्ली का बात टालेंगे नहीं। तो मुझे नौकरी मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मिल जाएगी, शाम को तैयार होकर मेरे साथ चलो। अरे नौकरी के साथ साथ जेब में एडवांस भी डालकर वापस आना। प्रॉमिस? अरे सिर्फ नौकरी नहीं बाबा, साथ में जलवे। बॉस के लिए आधे घंटे में आ रहे हैं। पक्का? पक्का। We'll be right back.
के मत जाइयो, बरसात का मौसम कैसा लगा? चाली भाई, मैं निक्की को मिलके आता हूँ। निक्की कौन? वही डांसर, मैं उसे जानता हूँ। श्योर? हाँ चाली भाई। ओके, तुम जाता है छोकरी के लिए, हम जाता है बॉस के पास तुम्हारी नौकरी के लिए। ओके चाली भाई। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाली भाई, घर पे नहीं है। ए रीमा, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? और आप कहाँ चले गए थे? कितनी देर नाश्ते के लिए इंतजार किया आपका? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? इनका नाश्ता चाय के साथ कैसे हो सकता है रीमा? जो आदमी अपना दुश्मन बन गया हो उसे समझाना बेकार है। ए भाई, अपना आकाशवाणी तुम अपने पास ही रखो। अरे तुमको पता नहीं कि सवेरे से कितना झगड़ा किया है हम हमारे आपसे, हमारे मन से। हमसे ठीक से चलते भी नहीं बन रहा है क्योंकि हम लड़खड़ा नहीं रहा है। बार बार अपने को समझा रहा है कि नहीं चार्ली, नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं? कि चार्ली दारू नहीं पीने का। क्या आज क्या खास बात है? क्या भगवान के दर्शन करने जाओगे? हाँ खास बात तो है, आज हम भगवान के दर्शन करने भी जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही भगवान ने हमें उधर से इधर भेजा था इस दुनिया। ओ। इसका मतलब है आज आपका जन्मदिन है। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आज अभी तक दारू पीना शुरू नहीं किया, क्योंकि दारू पीने से कॉन्फिडेंस चला जाता है और इसी दारू ने आपको दिलीप कुमार नहीं बनने दिया। कमाल है, कमाल है। तुम लोगों किसने बताया? नंदू ने बताया। नंदू बहुत अच्छा लड़का है। क्योंकि वो दारू नहीं पीता। अच्छा करता है ना, क्योंकि दारू पीता। चाली भाई प्लीज, एक खुशखबरी और सुनो। क्या? आज रीमा का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मी। आज चार्ली बहुत खुश है और आज का पार्टी चार्ली की तरफ से। आज चार्ली बहुत दारू पिएगा। क्या? आज चार्ली बहुत दारू नहीं पिएगा। व्हाट? आज चार्ली दारू नहीं पिएगा क्योंकि दारू पीने से सारा मोहल्ला जानता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। सबको नंदू ने बताया, सबको मालूम है नंदू अच्छा लड़का। बस बस, दूसरी बात, पार्टी मेरी तरफ से होगी। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह। ओके रीमा, कुछ बनाना मत, मैं बाजार से सामान ले आऊंगा। बाय बाय। अरे हाँ, निकी को भी साथ लेते आना। निकी कहाँ चली गई थी? मनीष, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा रीमा को दे देना और उससे कहना कि आज के लिए मैं उससे खुद आके माफी मांगूंगी। निकी, मैं प्रेजेंट लेने के लिए नहीं, तुम्हें लेने आया था। जल्दी करो, देखो रीमा नाराज हो जाएगी। हाँ वो मुझे माफ कर देगी, अपने तो हर खता माफ कर देते हैं। सच मनीष, जब से तुम लोग यहाँ आए हो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गम बांटने वाले यहाँ मौजूद हैं। निकी, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मनीष। ए, कभी कोई भी जरूरत हो तो अपनों को याद कर लेना निकी। जिस पे शिवा हाथ रख दे उसको छूने वाला हाथ काट दिया जाता है। ये क्या कर रहे हो शिवा? मनीष कोई गैर नहीं है, ये मेरे शहर का है, मेरा दोस्त है। चल हट, दोस्त होगा तेरा, जाने वाले तो हम है ना। मनीष, 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 अरे ये क्या हो तुम्हें? किसने किया ये सब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तू यहाँ कैसे? अरे यार वो रीमा की तबीयत खराब हो गई थी, चार्ली भाई उसे हॉस्पिटल लेके गए। क्या हुआ रीमा को? मुझे पता नहीं, आ चल मेरे साथ, चल चल।
डॉक्टर साहब, नथिंग टू वरी अबाउट जेंटलमैन, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे इसलिए वे बेहोश हो गई थी, अदरवाइज शी इज क्वाइट नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा? बच्चा? क्या बच्चे को भी कोई चोट आई है? तो फिर आप लोग उसे क्लिनिक क्यों नहीं लाए? कमाल है डॉक्टर साहब, आप दारू तो नहीं पीते ना? अच्छा करते। वो क्या है कि दारू पीने से कॉन्फिडेंस चला जाता है। अरे इनके बच्चा है ही नहीं तो लाते कहां से? ये तो उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो रीमा के पेट में पल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? रीमा के पेट में कोई बच्चा नहीं है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल। आपसे किसने कह दिया कि वो मां बनने वाली है? कैसी बात कर रहे हैं आप? रीमा मां बनने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। बिलीव मी जेंटलमैन, आई एम ए डॉक्टर। मेरी समझ में नहीं आता चाली भाई कि डैडी, तुम्हारे डैडी मोहरा बन गए। ये सारा खेल तुम्हारी मां ने खेला है। सोचो रीमा, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए इतना ड्रामा तो जरूरी था, लेकिन इससे तुम्हारी मां को क्या फायदा होगा? यही तो मैं सोच रही हूं मनीष, मां को क्या मिला? कौन है आप, कहिए किससे मिलना है आपको? तुम कौन हो जो मेरे भतीजे के दरवाजे पर खड़ी होकर मुझसे ही सवाल पूछ रही हो? शिवा कहाँ है? जी अंदर है, आइए। चलो शिवा, शिवा, शिवा बेटे देखो कौन आया है। हे बुआ जी, व्हाट अ सरप्राइज। चाचे, अरे भतीजे प्यारे, कैसे हो? तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, सारी भागदौड़ तो मुझे ही करनी पड़ी। अरे बुआ जी, आप तो जानती हैं, कभी मैं कलकत्ता, कभी मैं मद्रास, कभी मैं दिल्ली, मेरा तो प्रोग्राम ऐसे ही है। तुम्हारे इस प्रोग्राम के पीछे तुम अपना मकसद भूल गए। चिड़िया उड़ गई, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुमने। अरे निकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गेट सम टी कॉफी बुआ जी के लिए। श्योर। चाचे, भतीजे प्यारे, नॉटी, वेरी नॉटी। कौन है रे ये? ये है पालतू मैना। कौन सा मैना? मैना। ओ मैना, अच्छा अच्छा। आजकल दिल बहला रही है, जब दिल भर जाएगा तो आजाद कर दूंगा, तो मैं पालूंगा। शिवा, नो नो नो, बुआ जी आप कह रही थी कि वो चिड़िया उड़ जाएगी। हाँ, जब मुझे पता चला कि रीमा किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है और उसका बाप भी उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं परेशान हो गई। मैंने तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुम तो मिले ही नहीं। वो क्या है कि? और सारी जायदाद मेरे हाथ से जाती हुई नजर आई, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक दिन रीमा बेहोश हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाकर अपने डॉक्टर सहेली को बुलवाया और उसके बाप के सामने कहलवाया कि रीमा पेट से है। मैंने घर में इतना हंगामा किया कि उसका बाप मेरे सामने झुक गया और फिर चाल चलकर मैंने रीमा को रमेश के पास भिजवा दिया। चाचे के पास? मतलब कि कसाई के कूटे पे बकरी बांध दी? नो, यही तो रोना है, वो रीमा का यार न जाने वहां। हाँ चाचे, क्या इस वक्त आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ होंगे? वो अरे ये क्या बताएगा, ये तो पिट पिटा कर मेरे पास आ गया। बहना प्यारी, अगर उस दिन मैं नशे में नहीं होता ना तो उसके हाथ पैर तोड़ देता। अरे इतना सा पिल्ला मुझे मार के चला जाए। मगर बुआ जी, वो लड़का है कौन? क्या हुआ? इस चिड़िया की किस्मत में आजादी नहीं। क्या बोल रहे हो भतीजे? चाचे, ये लड़का इसी शहर में है? तो रीमा भी इसी शहर में होगी। डोंट वरी, मैं इन दोनों को किसी तरह भी ढूंढ निकालूंगा। अगर वो दोनों हमारे हाथ लग गए तो समझो हमारी चांदी हो गई। उस लड़के को लड़की भगाने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देंगे, और रह गई रीमा, वो तो तुम जानते हो उसका क्या करना है। समझो उनके पर कट गए, अब ये मैना उम्र भर उड़ नहीं पाई।
सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है, महफिल में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है, दीदार तेरा पाने के लिए ही जान निकलता है, महफिल में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है, मनीष
मनीष एक मिनट मेरे साथ आओ। क्या बात है निकी? आओ तो, बहुत जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी सुनील, जरा एक मिनट। ओके, आई विल कम इन अ मोमेंट, नो प्रॉब्लम। क्या बात है निकी? बहुत बुरी खबर है मनीष, रीमा की सौतेली माँ यहाँ आई हुई है और वो शिवा की बुआ है। क्या? हाँ मनीष, उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो लोग तुमको फंसाकर रीमा को शिवा के हवाले कर देना चाहते हैं, ताकि शिवा रीमा से शादी करके उसकी सारी जायदाद का हकदार बन जाए। ओ, सौतेली माँ इतनी खतरनाक हो सकती है? वो बहुत ही लालची और खतरनाक औरत है। मनीष, तुम रीमा को लेकर यहाँ से कहीं और चले जाओ, उन लोगों की नजरों से तुम ज्यादा दिन नहीं बच सकोगे। प्लीज। मैं रीमा से बात करता हूँ निकी। बात समझ गए ना चाली भाई, मनीष को पहले से मत बताइएगा कि मैंने उसके लिए प्रेजेंट लिया है। ऑफ कोर्स नॉट, हम मनीष को बोलेगा कि हमारी सिस्टर ने मना किया है कि तुमको गिफ्ट के बारे में बताने का नको। तो ओहो चाली भाई, आप तो समझते हैं। चार्ली का बॉडी में खून और लाइफ है, तुम हमारी सिस्टर को नहीं ले जा सकता। उड़ा चार्ली भाई, चार्ली भाई, चार्ली भाई, चार्ली भाई, ये क्या हो गया मेरे दोस्त? दारू पीने का सजा मिला आपको। इस दारू ने हमको दिलीप कुमार नहीं बनने दिया, नो प्रॉब्लम, पर ये दारू ने हमको हमारा बहन रीमा का रक्षा करने के काबिल नहीं छोड़ा। रीमा? क्या हुआ रीमा को? कहाँ है रीमा चली भाई? रीमा कहाँ है? वो हाँ उल ले गए रमी। ओ गॉड, जीसस, चाली भाई, कौन था वो चाली भाई? चाली भाई, चाली, चाली भाई, चाली भाई, चाली भाई, चाली भाई, चाली भाई, चाली, चाली इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडे मेरी बीवी को उठाकर ले गए और मेरे दोस्त चाली का खून करके चले गए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा जो मेरी बेटी को भगा कर ले गया था, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आंटी आप? इंस्पेक्टर, रीमा मेरी बीवी है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। वो सब अदालत को बताना, इस समय पुलिस स्टेशन चलो। झूठी है ये औरत, मक्कार है। इंस्पेक्टर, ये रीमा को बेच देना चाहती है। तुम सीधी तरह हमारे साथ चलते हो या हम अपना तरीका इस्तेमाल करें? मैं रीमा का पता मिलने से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, वरना इस टाइम की मुंडी जमीन पर पड़ी हुई मिलेगी। लड़के, कानून को अपने हाथ में बदलो। कानून झूठों के हाथ बिक सकता है तो तोड़ा क्यों नहीं जा सकता इंस्पेक्टर? मैं आखिरी बार कहता हूँ, वरना नहीं, नहीं, इंस्पेक्टर, गोली मत चलाना। मनीष, जल्दी कर, मैं टैक्सी लेकर आया हूं। चल चल चल, आजा चल, जल्दी कर। तुम सिर्फ एक दिन के लिए यहां पर कैद रहोगी और फिर कल तुम्हारी और हमारी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुम हमेशा के लिए हमारे दिल में रहोगी। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं मनीष की पत्नी हूं और उसी की बनकर जीऊंगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। तुम जियोगी तो हमारी पत्नी बनकर और मरोगी तो शिवा की पत्नी के रूप में। और वो मनीष? अरे वो बेचारा पुलिस के डंडे खा रहा होगा इसे भगाने के जुर्म में। अब पुलिस उससे पूछ रही होगी कि रीमा कहाँ है, वो बेचारा कैसे बताए कि रीमा कहाँ है? ठीक है ना भतीजे प्यारे? सही है चाचा। वो पुलिस को तुम्हारा पता बताएगा। पुलिस उसकी जरा भी बात नहीं सुनेगी।
क्योंकि हमारी बुआ ने पुलिस को सब कुछ समझा दिया और फिर 10,000 की बात पुलिस तो समझ ही गई होगी। रीमा दादी, तुम ये बात नहीं जानते, पैसा पट्टी भी है, रुई भी है और ताला भी है। हाँ, इसीलिए भांजी प्यारी, पुलिस ना तो कुछ देखेगी ना सुनेगी और ना बोलेगी। रीमा, रीमा, पकड़ो उसे, छोड़ो मुझे, ले जाओ यहां से। हदे भतीजे प्यारे, क्या तुम सचमुच इससे शादी करोगे? What? Yes, yes. और सुनो, भागने की कोशिश मत करना, मेरे आदमी चारों तरफ खड़े हैं, समझी? मनीष की खटिया खड़ी करने चली थी ना, अब देख हमने तुझे खड़ी खटिया से बांध दिया है। तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग मुझे कैद करके रीमा को ढूंढ लोगे? याद रखना, शिवा तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। देखो आंटी, मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहता, हालांकि तुमने मेरे और रीमा के साथ बहुत बुरा सलूक किया, बस मुझे तो उस जगह का पता बता दो जहां शिवा रीमा को ले गया है। तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन इतना सोच लो, तुम लोगों का हाल बहुत बुरा होगा, मुझसे किसी भी तरह तुम रीमा का पता नहीं मालूम कर पाओगे। देखो मेम साहब, साफ साफ बता दो कि रीमा बहन को तुम्हारा वो हरामी शिवा कहां उठाकर ले गया है, वरना बहुत बुरा होगा। क्या करेगा तू? क्या करूंगा बताऊं? पहले इस खटिया को बिछाऊंगा, क्योंकि मेरी घरवाली 6 महीने से मायके से नहीं आई है। मनीष, मनीष, इस जानवर को रोको, मनीष रोको। हम इतने कमीने नहीं हैं मेम साहब, मां बहन की इज्जत करना जानते हैं। अरे हम तो आपको ये बताना चाहते थे कि एक औरत को इज्जत कितनी प्यारी होती है, और तुमने औरत होकर भी एक औरत को जानवरों के हवाले कर दिया, वो भी अपनी बेटी को, भले सौतेले भी सही। बंद कर अपना भाषण, बहुत हो चुका। मनीष, मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। मनीष, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये देख मेरी छमिया, इसको बदन पे घूमने का बड़ा शौक है, जैसे कि लोग नेशनल पार्क में घूमते हैं। हाँ। और कभी कभी तो ये दांत भी मारते हैं। विकी, ये रहा मनीष। मनीष, निकी, मनीष आ गई तुम? ये सब क्या हो गया मनीष? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि शिवा कोई ना कोई कमीनापन जरूर करेगा। हरामजादी, जिसका खाती उसी से दुश्मनी करती है। जानती है शिवा तेरा क्या हाल करेगा? ये क्या तेरा यार लगता है जिस पर मरी जा रही है? Shut up! इसे छोड़ो निकी, इसकी जुबान तो नंदू बन कर देगा। नंदू? डोंट वरी मनीष, अब ये बुढ़िया नहीं बोलेगी। बोल छमिया को छोड़ू तेरे बदन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं क्या करूं? पुलिस के पास जा नहीं सकता, पता नहीं वो हरामजादा मेरी रीमा को कहां ले गया। तुम फिक्र मत करो मनीष, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं आज ही पता लगाती हूं कि शिवा ने रीमा को कहां छुपा के रखा है। अरे मैंने ना तो नहीं देख रहा ना है, है। नहीं। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे लेकिन किससे? कहीं वो शिव आ गया तो? अरे मिली मैना, तू मान ले मेरा कहना, डरने की कोई बात नहीं है। मैं शिवा से अभी मिल के आ रहा हूँ, वो तो रीमा के साथ शक्ति मिल में पकड़ा पकड़ी खेल रहा है ना, हम भी शुरू हो जाते हैं। मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम ऐसा करो, एक ड्रिंक पी लो, सारा डर फुर्र हो जाएगा। सच? तुम यहीं बैठो ना, ड्रिंक मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लाना।
हेलो जी, मैं खन्ना बोल रहा हूं। कौन? निकी? कहां से? गोवा से। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। अच्छा 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 अच्छा, क्या क्या हुआ मुनीश को? क्या हुआ मेरे बेटे को? एक मिनट। हाँ, मैं पहली फ्लैट से आ रहा हूं। हाँ, मेरा देखा हुआ इलाका है वो। अच्छा अच्छा, थैंक यू निकी बेटे, थैंक यू। कहाँ है मनीष? गोवा में। कैसा है? अच्छा। लेकिन आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसका फोन था? घबराने की जरूरत नहीं नंदा, उसकी एक दोस्त है निकी, उसका गोवा से फोन था। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी वो? यही कि मिसेस मेहता उसे परेशान कर रही, फंसना चाहती है। क्या तुम परेशान हो तो मैं गोवा जाता हूँ, खुद जाकर आता हूँ मनीष को। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं नंदा, मैं अकेले जाऊंगा। आप उसे ला सकेंगे? क्यों नहीं ला सकूंगा, मेरा बेटा नहीं है। रीमा को साथ लाएंगे आप? नहीं ना, और अगर रीमा नहीं आएगी तो मनीष भी नहीं आएगा, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, अगर मनीष की वापसी की शर्त रीमा है तो मैं उसकी ये जिद भी पूरी कर दूंगा। सच कह रहे हैं आप? सच कह रहे हैं आप? हाँ नंदा, बहुत दिनों के अपने बेटे को देखे हुए उसके बगैर ये घर अच्छा नहीं लगता। माफ सर, चलोगे? हाँ साहब, बैठिए। चलो। खन्ना साहब, प्लीज इस टैक्सी से मुझे जाने दीजिए। तुम? खन्ना साहब, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुम्हारी उसी बेटी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, तुम्हारा पूरा खानदान हमें मिटाने पे तुला हुआ है। नहीं खन्ना साहब, मिटाने की योजना किसी और ने बनाई थी, मैंने नहीं। मैं लालच में आकर शामिल हो गया था। आज उसी साजिशी पटेल का बेटा शिवा हमारी औलाद का दुश्मन है। पटेल का बेटा? उसे कैसे मालूम कि मनीष मेरा बेटा है? पटेल मेरे घर में भी एक नागिन छोड़ गया था, उसकी विधवा बहन से मैंने शादी कर ली थी। खन्ना साहब, खन्ना साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अंकल, मैं ही निकी हूँ, मैंने ही आप दोनों को फोन किया था। मेरा बेटा कहाँ? अंकल मैं सब बताती हूँ, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। चलिए, बैठो। Yeah.
अरे कहाँ गया? अरे पति जी, अरे क्या हुआ? अरे बर्दाश्त कर, जल्दी कर, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। चल आशिक प्यारे, बहुत भगा लिया। अरे मेला लग रहा है ना, चले भतीजे जरा इसकी धुलाई करें। तेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। इस लड़के ने अगर तुझे मार डाला होता तो मैं उसका एहसान मानता। तू जैसी औरत को जो भी सजा मिले कम है। किस बात की कमी थी तुझे? क्या नहीं दिया मैंने? अरे मेरी बेटी का सौदा करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि तू भी एक बच्ची की मां है जिसे मैंने रीमा से कम प्यार नहीं किया। और तू, और तूने मेरी रीमा को, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, अगर जल्दी शिवा का पता नहीं चला तो अनर्थ हो जाएगा। निकी, एक मिनट, मैं जानती हूँ शिवा कहाँ होगा। शशि, यही मौका है अपनी बेटी की जान बचाने का। बताओ शिवा कहाँ है? भैया का पुराना अड्डा, शिवा का माल वही रखा जाता है। जल्दी करो, न जाने वो किस हाल में हो। मनीष को छोड़ दो शिवा। ए, क्या चली तू? छोड़ दे शिवा उसे। छोड़ दूंगा, बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। पहले तुझे अपने बंधन में तो बांध लो। अरे चाचा, कन्या को शादी के मंडप में तो लाइए और कन्या दान कीजिए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सही कह रहा है भतीजे प्यारे, चल बैग। रीमा मेरी बीवी है। पंडित, तुम ये बात नहीं कर सकते। चुए, पंडित वही करेगा जो हम कहेंगे, वरना एक भोले ब्राह्मण मारने का पाप मेरे सर चढ़ेगा। क्यों पंडित, मंत्र चालू रखो। चाचा, ये इस तरह नहीं मानेगी, इसकी कमर मेरी कमर से बांधो। बांधो? हाँ। ए पंडित, चलिए ला। चलो। ए, पकड़ इसको। जल्दी करो। शिवा? अरे बहना प्यारी। शिवा बेटे? अरे शिवा? अरे बहना प्यारी, तू ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं शिवा? अपनी शादी रचाने के चक्कर में तू अपनी बुआ को भूली गया? अच्छा,
तो ये तेरे हाथ लग गया। क्यों रे छोकरे, मैंने कहा था ना कि शिवा तेरी बोटिया बोटिया कर देगा, मुझे कैद करके रखा था क्यों? अरे मैंने इसकी इतनी धुलाई की और पूछा इसे कि मेरी बुआ कहाँ है, पर इसने अपनी जुबान नहीं खोली। इसकी जुबान तो मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, जरा रिवॉल्वर तो दे। अरे बुआ शुभ काम में देर क्यों? अरे हाँ बहना प्यारी, उड़ा दे इसको, तेरा निशाना तो कभी चूकता ही नहीं है। रीमा, हाँ हाँ मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। माँ ये क्या कर रही हो, अपने बेटे के सुहाग को आप? चुप रहे लड़की, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी मांग में तो मेरे शिवा के नाम का सिंदूर भरा जाएगा और तेरे यार का खून। खबरदार जो आगे बढ़े। डैडी। मनीष बेटे। डैडी। हरामजादे। मेरी बेटी को बर्बाद करने चले थे। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं लौट सकोगे। पहले तुम घर चलो, वहां मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारी खबर लेता हूँ। देखो डैडी, जब बेटा शादीशुदा हो जाए तो उसे बीवी के सामने नहीं डांटना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि शादी के बाद कान खींचने का हक सिर्फ बीवी को रह जाता है। हाँ बेटी चलो घर चले, मान गए तुम दोनों के प्यार का अनोखा अंदाज।